जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना की जाती है। यह गुप्त नवरात्रि की तीसरी महाविद्या है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, कामेश्वरी भी कहा जाता है। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी जानी जाती हैं। आइए अब जानते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। माँ त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान हैं। इनकी चार भुजाएं हैं। इनके एक हाथ में पाश, अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी तीन नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती हैं, उनके हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब सुनते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव जब ध्यान साधना में मगन रहते थे, तब उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म से परित्याग कर दिया, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालक में बाधाएं उत्पन्न होने लगी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि केवल शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप शिव ध्यान भंग हो गए। क्रोध में आकर शिव का तीसरा नेत्र खुला, जिसके कारण कामदेव उनके तीसरे नेत्र से निकली ज्वाला से भस्म हो गए। तब देवी रति जोर जोर से विरलाप करने लगी। कामदेव की पत्नी रति द्वारा दर्दनाक विरलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और इसके बाद वे अंतर ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हो गया, लेकिन उस पुरुष में असुर के गुण आ गए। वह पुरुष भगवान शिव की स्तुति करने लगा, उसका नाम भांड रखा गया। धीरे धीरे भांड तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा उसमें राज करने लगा। इसके बाद अपने अहंकार में आकर भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछने लगे। देवर्षि नारद ने आज्ञा शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो कर भांडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त किया। तो दोस्तों, ये थी माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ ऐसी पौराणिक कथाएं सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।